भारत गांवों का देश है, यहाँ की अधिकतर आबादी ग्रामीण अंचलों में बसती है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा गांव में विकास की गंगा मानो गर्मी में सूख जाती है, जिससे मानो ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी 20वीं सदी के समान ही व्यतीत कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बसे ग्रामीणों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। जिला मुख्यालय कोरबा से 80 किलोमीटर दूरी पर बसा यह गांव विकासखंड पाली के ग्राम पंचायत सपलवा के आश्रित ग्राम रहा है, जो मुख्य सड़क से लगभग 300 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बसा है। यहां शासन की योजना मानो पहाड़ की ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ पा रही, तभी तो यहां न ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है और न ही यहां कोई मूलभूत सुविधा नजर आती है। बिजली के ट्रांसफार्मर तो लगे हैं, लेकिन बिजली कब आएगी और कब जाएगी यहाँ ग्रामीण भी यहाँ नहीं जानते। हमारे गांव में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। एक तो पानी नहीं है, एक तो बिजली भी की समस्या है, और ये मतलब किसी को जर बुखार हो गया तो मतलब यहाँ से जाने में परेशानी भी है। और सड़क रोड तो यही है, सड़क सफलवा में है अस्पताल, लेकिन जाते हैं तो कभी दवाई नहीं रहता है, कभी आदमी भेंट आता है तो दवाई नहीं है। कहाँ जाते तुम इलाज कराया जब? जब उस पर निकलते हैं पाली। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ बिजली के खंभे मानव विकास के जाप करने वालों को ठेंगा दिखाती है। जी हाँ, यहाँ बिजली के खंभे साल भर पहले लगाए गए थे, जब तत्कालीन कलेक्टर साहब का यहाँ दौरा था। जब बिजली एक रात के लिए आई थी, उसके बाद बिजली से लोगों की आंख बिचौली अब तक जारी है। संचार क्रांति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मोबाइल का वितरण तो ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया, लेकिन पर्याप्त नेटवर्क ना होने के कारण मोबाइल मात्र डिब्बा ही साबित हो रही है। और समय भी समय मिल जाते, समय में तो मिल भी नहीं करे। कवरेज रहते तो बात होते, कहां ले बात होते? यहाँ मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है, तब फोन लगा था। हाँ। रखे तो गांव के मोबाइल तो रखे हैं कई जी, लेकिन लंग भर नहीं लगे। सरकार के मोबाइल मिले हैं? सरकार की योजना में नहीं मिला है। इस आधुनिक युग में जहाँ नए नए तकनीक से लोगों तक सूचनाएं पहुँच रही हैं, लेकिन यहाँ आज भी 1950 के जमाने के रेडियो से ही सूचनाएं प्राप्त होती है। जब हमने यहाँ के जीवन यापन करने वाले लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं से दूरी अभी भी बनी हुई है। अभी आपने यहाँ के ग्रामीणों की बातों को सुना। जी हाँ, यहाँ हैंडपंप तो है, लेकिन गर्मियों में जल स्तर के गिर जाने के कारण यहाँ के ग्रामीणों को पीने का पानी तक ठीक से नहीं मिल पाता। बोर है नहीं है, बस दो बोर में चलते। जनसंख्या कितना हुई कम से कम? जनसंख्या बहुत है। शासन की सबसे बड़ी योजना स्वच्छ भारत मिशन पर बनाए गए शौचालय तो हैं, लेकिन यहाँ शासन की मंशा पर पलीता लगा रहा है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, शौचालय तो है, लेकिन किस तरह निर्मित किया गया आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ के लोग आज भी बाहर खुले में शौच करने को मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद पाली विकास खंड ODF घोषित हो गया। शौचालय बने हैं? शौचालय का स्थिति है? शौचालय तो बना नहीं, बना में तो जान भी नहीं करा था, बनी से कि नहीं बनी से। उपयोग करता शौचालय के? नहीं। तुम्हारे घर में बने शौचालय? बने से तो फूट टूट के खत्म हो गए। अब आप यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं को देख सकते हैं। यहाँ परस्त चिकित्सक से जब हमारी टीम ने जानना चाहा तो डॉक्टर साहब भी सफाई देने लगे। बता रहे रात को बंद रहता है तो बंद रहता है? रात में ऐसा बंद नहीं रहता है, बंद ऐसा रहता है कि चैनल गेट तो बंद रहता ही है, चौकीदार यहाँ अवेलेबल रहता है। अगर आया स्टाफ नर्स हमारे यहाँ पर गाँव में रहती है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर रहता है, हम रहते हैं, अगर कोई आता है तो इन्फॉर्म करते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि बहुत दूर से जैसे उड़ान सेट से जब आता है ना तो नाइट में नहीं आ पाते नहीं लोग बोल रहे थे रात को वही उड़ानी वाले लोग बोल रहे थे रात को जाते हैं तो नहीं होता मुलाकात, बंद रहता करके। नहीं तो भाई चौकीदार रहता उठेंगे तो उठेंगे, बाकी तो ऐसा रहता है सब स्टाफ मतलब चौकीदार के भरोसे चल रहा है? चौकीदार के भरोसे नहीं चल रहा है, चौकीदार होता है इन्फॉर्म करने के लिए है। लेकिन क्या है ना, एम्बुलेंस तो यहाँ दे दिया गया है शासन, तो जैसे डिलीवरी वगैरह कुछ परेशानी रहा था तो हम लोग जाते हैं एम्बुलेंस को लेने के लिए, तो उसमें बोलते हैं कि
पेट्रोल डीजल के लिए पैसा दोगे तब वो मतलब जाएंगे, या न था गाड़ी यहीं खड़ा रहेगा, ऐसे कर कर बोलते हैं। तब उसके लिए 1500 देना पड़ता है। हाँ 1500 रुपये मतलब देना पड़ता है, फिर 1500 हम लोग कहाँ लेके जाते हैं 1500 रुपये में? 1500 लेकर मतलब वहाँ पाली, मतलब हम हमारे पास है तो ड्राइवर ही बोला कि मतलब इसमें डीजल पानी नहीं है, तो मतलब पेट्रोल के डीजल पानी के लिए पैसा लगेगा। कितना पैसा लेते हैं? तो हम लोग उनको 1500 दिए पाली के। पाली के तो ये जो एम्बुलेंस है ना एक्चुअली मिला था कड़ोरा वाला, और ये दिया गया है इंडियन ऑयल की तरफ से, और हम लोग को ऐसा इशू नहीं किया गया अभी तक हम लोग पास 108 102। अब इसको चलाने के लिए हमारे पास दे दिए हैं, हमारे पास ना तो फंड है अभी इसका, ना ही कोई इसका गाइडलाइन आया है, सो करना क्या है अब इमरजेंसी। हम यहाँ खड़ा रहते हैं, कई लोग आते हैं मांगते हैं, तो जैसा मैनेज करते हैं हम लोग बोलते हैं कि जो भी सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से चलता है 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आप उतना लीजिए। बाकी ऐसा इसमें कोई वाला है नहीं कि आपको इतना जो बाहर जो 2000-2500 लेते हैं वैसा वाला कोई नाटक समस्या नहीं हो पाए। कहाँ जाना पड़ते पाली? यहाँ पर रूम तो है नहीं अवेलेबल, यहाँ क्वार्टर स्टाफ क्वार्टर है नहीं, तो यहाँ पर रह नहीं सकते, तो सब रहते हैं गांव में। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क, और मोबाइल नेटवर्क नहीं है सबसे बड़ा समस्या ये भी है। यहाँ 104 सुविधा 102 नहीं है। कहाँ से? पाली से आता है? पाली से या जडगा से, कड़भोरा से, तुमान से, जहाँ से उन लोग संपर्क करेंगे वहाँ से आएगा। अब चौकीदार इसलिए रखें कि ताकि वो इन्फॉर्म करने जाए, तो जब उसको पता चलेगा तो वो जाके गाँव में जाके बुलाएगा जहाँ रहते हैं। तो आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग 21वीं सदी में भी 20वीं सदी में जी रहे हैं। न जाने प्रशासन इन ग्रामीणों की सुध कब लेगा और कब इनको मूलभूत सुविधाओं से निजात मिलेगी, या तो आने वाला समय पर निर्भर है। कोरबा से जयप्रकाश शाहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिकसेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।